तो विमन, प्रॉब्लम सॉल्विंग के सेक्शन में आज हम लोग फिर से एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि मैथमेटिक्स सेक्शन की प्रॉब्लम है। इसको मार्मी गेम कह रहे हैं। लेट्स रीड दिस प्रॉब्लम, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम एंड देन वी विल ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। सो द प्रॉब्लम सेज द ल्यूप इज डे ड्रीमिंग इन मैथ क्लास। ही इज अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर विद एन रोज एंड एन एम कॉलम्स एंड ही इमेजिन्स दैट देयर इज एनी आर्मी बेस इन ईच सेल फॉर अ टोटल ऑफ एन इनटू एम बेसिस। He wants to drop supplies at strategic points on the sheet, marking each point with a red dot. If a base contains at least one package inside or on the top of its border fence, then it's considered to be supplied. तो इस प्रॉब्लम को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको इसको थोड़ा सा ब्रीफ करूं, समझाने की कोशिश करूं इस प्रॉब्लम को। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आपके पास मान लीजिए कि एक आर्मी बेस है और उस आर्मी बेस को बाई एयर कुछ सप्लाईज हमें लेनी है। तो मान लीजिए कि हमारा ये आर्मी बेस है, ये चार आर्मी बेसेस हैं, इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप में माना गया है कि ये एम है जो कि रोज को डिनोट कर रहा है और ये एन है जो कि कॉलम्स को डिनोट कर रहा है। अकॉर्डिंगली यहाँ पे 1, 2, 3, 4 चार बेसेस हैं। अगर हम बाई एयर इसमें सप्लाई कर रहे हैं आइटम्स का, इसका मतलब है कि ये रिमोट एरियाज में है, इनको सप्लाई की जरूरत पड़ेगी, इनको खाने पीने के आइटम्स की जरूरत पड़ेगी, तो उसको बाई एयर ड्रॉप किया जा रहा है। तो बाई एयर जो ड्रॉप किया जाएगा, ऑब्वियस बात है कि आर्मी कोई कमी तो छोड़ता नहीं है, तो वो एनफ सप्लाईज होंगी। सप्लाई को देने के लिए वो ऐसा कर सकता है कि एक सप्लाई यहाँ ड्रॉप करे, एक यहाँ ड्रॉप करे, एक यहाँ ड्रॉप करे और एक यहाँ ड्रॉप करे, जिससे कि बाई एयर इसको चार सप्लाई ड्रॉप करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम ऐसा सोचें कि एक सप्लाई ऐसे हमें हमने ड्रॉप किया, सो ये सप्लाई दोनों बेसिस को फीड करने के लिए सफिशियंट है। सिमिलरली एक सप्लाई और अगर ड्रॉप ड्रॉप किया गया है, तो ये इन दोनों बेसिस को फीड करने के लिए सफिशियंट है। इसका मतलब कि हमें यहाँ पे दो सप्लाईज देनी पड़ेंगी। लेकिन इसके अलावा हम मान लीजिए कि एक सप्लाई ऊपर से ऐसे ड्रॉप कर देते हैं, तो उस केस में ये जो सप्लाई है वो चारों बेसिस के लिए सफिशियंट होगी। इसका मतलब कि इस केस में हमें केवल एक ही सप्लाई देनी चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जो सप्लाई है वो चार बेसिस के लिए एक सप्लाई सफिशियंट है। अब एक काम करते हैं कि एक और एग्जांपल लेते हैं, जिससे कि शायद हो सकता है कि ज्यादा क्लैरिटी हमारे पास आए। मान लीजिए कि हमारे पास ये 2x3 वाला या 2x4 वाला इस तरह का सिस्टम है। तो एम इक्वल्स टू टू और एन इक्वल्स टू फोर वाला सिस्टम है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ जो आर्मी बेसेस है वो 8 है। अभी के हिसाब से हमने जो समझा उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि एक सप्लाई यहाँ पे ड्रॉप करेंगे तो 1, 2 और 5, 6 को ये फीड कर देगा, और एक सप्लाई अगर हम इसको ड्रॉप कर देंगे तो 3, 4 और 7, 8 को ये फीड कर देगा। तो वंस अगेन हमारा सेम कॉन्सेप्ट बन रहा है कि चार आर्मी बेसिस को फीड करने के लिए केवल एक सप्लाई सफिशियंट है। तो हमने इसको ऐसे निकाल सकते हैं कि पहले वाले एग्जांपल में 2 × 2 हमारा 4 आता है, तो 4 / 4 करेंगे तो ये हमें नंबर ऑफ सप्लाई मिल जाएगी। इसका मतलब है कि हमने ऐसा किया है कि m×n/4 और हमें आंसर मिल गया। सिमिलरली इस वाले केस में अगर हम देखें तो 2×4/4, तो इसमें हम 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और दो सप्लाई यहाँ से हमें मिल जाएंगी। लेकिन मान लीजिए कि केस इस तरह का है कि ये 3x बेस सिस्टम है, ना कि 4x 2x4। तो m इज इक्वल्स टू 3 है यहाँ पे और n इज इक्वल्स टू 4 है। इस केस में अगर आप सप्लाईज देखें चार चार के हिसाब से, सो एक चार हमारा ये होगा, तो उसमें एक सप्लाई ऐसी दे देते हैं, दूसरा चार ये वाला है इसको एक सप्लाई ऐसे दे देते हैं। इसके बाद जो नीचे वाला जो बचा बचा है उसमें 4 एक रो में है, इसलिए वहां पे नहीं दिया जा सकता चारों को सप्लाई। तो हम एक काम करेंगे कि एक यहाँ पे सप्लाई देंगे एंड देन एक यहाँ पे सप्लाई देंगे। इस केस में नंबर ऑफ सप्लाईज जो है वो 4 होंगी। लेकिन फॉर्मूला के हिसाब से जो अभी हमने डिसाइड किया था कि 3×4/4, ये जो है वो फॉर्मूला सही नहीं है क्योंकि ये हमें 3 बताता है। एक काम हम और कर सकते हैं इसमें फॉर्मूला बनाने के लिए, कि हम इसको 3 बाई, मैंने जो हमने m×n/4 किया था, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। हम ऐसा कर देते हैं कि m/2×n/2, और m/2 से यहाँ पे 3/2 आएगा और n/2 से यहाँ 4/2 आएगा। जो 3/2 है, इंटीजर बाई इंटीजर डिविजन हमें केवल 1 ही देगा, लेकिन हमें ये 1 नहीं चाहिए, हमें ये 2 चाहिए। तो हम एक काम कर सकते हैं कि इसको अपर बाउंड ले सकते हैं, और चूंकि हम कंप्यूटेशन कर रहे हैं तो एन भी ऑड हो सकता है, इसलिए हम इसको भी अपर बाउंड कर देते हैं। सो अपर बाउंड अगर हम करेंगे तो 2×2 हमें 4 सप्लाईज की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए कि मेरे पास 1x3 का एक सिस्टम है, सो m इज इक्वल्स टू 1 और n इज इक्वल्स टू 3,
इस केस में स्ट्रेटेजिक सप्लाई अगर आप सोचेंगे तो पहला सप्लाई आपको इनको देना पड़ेगा जिससे आप वन और टू बेसिस को फीड कर सकें, और थर्ड बेस को फीड करने के लिए आपको एक अलग से सप्लाई देनी पड़ेगी। तो आंसर आपका टू आना चाहिए। सो टू कैसे पॉसिबल है? एम बाई टू मल्टीप्लाइड विथ एन बाई टू मतलब 3/2 एंड देन दोनों का अपर बाउंड। सो दिस इज वन एंड दिस इज इक्वल्स टू टू, आंसर इज टू। लेकिन 1/2 वाले को बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है कि 1/2 वाला जो हमारा केस है इसमें हमें जीरो आ जाएगा इंटीजर बाय इंटीजर डिवीजन से, लेकिन हमें ये जीरो नहीं लाना है। तो अगर हमें जीरो नहीं लाना है तो 1/2 जो हम कर रहे हैं उसमें कोई एक पार्ट हमारा फ्लोट होना चाहिए। तो ये हमें ध्यान देना है किसी भी डिविजन में, ऑड वाले डिविजन में स्पेशली, कि अगर 1/2.0 करेंगे तो जीरो नहीं आके हमें 0.5 मिलेगा, और इसका अगर हम जब अपर बाउंड लेंगे तो हमें ये वन दे देगा। सो हमारा फार्मूला क्या बना? फार्मूला इज m/2.0 मल्टीप्लाइड विथ n/2.0। जो भी कंप्यूटेशन आप कर रहे हैं उसमें सील वैल्यू जरूर ले लीजिएगा मल्टीप्लीकेशन करने से पहले। तो आइए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। सो दिस इज n और m हमारा गिवन है, तो हमें क्या करना है? रिटर्न करना है सील वैल्यू ऑफ n/2.0 मल्टीप्लाइड विथ सील वैल्यू ऑफ m/2.0। आई होप इससे ये सारी क्लैरिटी आ जाएगी और हम मल्टीप्लीकेशन करके आंसर रिटर्न कर सकते हैं। ये रन करके देखते हैं इसको। तो इसका सैम्पल टेस्ट केस पास हुआ, बाकी टेस्ट केसेस के लिए देखते हैं। सो यू कैन सी दैट कि सभी के सभी टेस्ट केसेस हमारे पास हो गए, इसका मतलब हमारा सोल्यूशन सही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल अगेन मीट विथ सम अदर प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट।